अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु जॉइंड मी रिसेंटली, जिन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट दिखाई मेरे लास्ट पोस्ट के ऊपर और इतने मुझे मैसेजेस के इंस्टाग्राम पे, ईमेल्स के, इवन कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट्स किए और आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की कि यार सेमी डिटैच हाउसेस, अपार्टमेंट्स और टेरेस हाउस भी दिखाएं, चाहे आप ओल्ड दिखाएं या न्यू दिखाएं, बट आई वुड से हौले हौले, जरा ऐसा ऐसे वीडियोस बनेंगे, जरा ऐसा ऐसे वीडियो अपलोड होंगी क्योंकि सब चीज़ मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती। सो जरा मैं हर तरह के घर पे वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन आपने थोड़ा हौसला रखना है और आपने घबराना नहीं है बस। और जनाब ये आपका अपना चैनल है, अगर आपको इस चैनल पे कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई वीडियो अच्छी लगती है, कोई बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। और जनाब जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम आईडी का पूछते हैं, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मौजूद है पर आप ये आईडी भी नोट कर सकते हैं, वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। खैर जनाब आपने आज का व्लॉग फुली देखना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है एंड ट्रस्ट मी यू गोना लव दिस व्लॉग। अच्छा मैं बताती चलूँ यहाँ पे आपको कि दोनों जो घर थे ना, लास्ट वाला इवन ये भी, दोनों एक ही लोकेशन में, डेट्स इन रॉस्टेल, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर, बट द लोकेशन वॉज सो गुड और पूरी सोसाइटी न्यूली बिल्ट सोसाइटी थी ये। अच्छा मैं बताती चलूँ आपको, जो फोर बेडरूम हाउसेज होते हैं ना वो उनके लिए आइडियल होते हैं जिनके तीन बच्चे होते हैं या चार बच्चे होते हैं, और थ्री बेडरूम आइडियल होते हैं जिनके दो बच्चे हों या तीन बच्चे हों, क्योंकि यहाँ शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा इतना कॉमन नहीं है बच्चों में और हर बच्चा अपना सेपरेट रूम लेना चाहता है। अच्छा दिस वॉज अ डिटैच हाउस इंक्लूडिंग द गैराज, लास्ट वाले घर में भी था गैराज लेकिन मैं बताना भूल गई थी इसका टोटली। अपार्ट फ्रॉम डेट दोनों घरों के साथ ना ड्राइववे भी था, अपनी गाड़ी आप घर के सामने भी पार्क कर सकते हैं। लोग तो यहाँ पे गैराज को एक्चुअली फुल टाइम रूम यूज कर रहे होते हैं, जो लोग घर से काम करते हो तो उसे ऑफिस रूम बना लेते हैं अपना। अच्छा इस घर में भी ना एंटर होते साथ एक टॉयलेट अवेलेबल था, उसके अंदर सिंक लगा था और कमोड लगा था, पर ट्रस्ट मी डेट्स मोर देन इनफ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो डाउन स्टेयर टॉयलेट होना मस्ट हैव है, इट्स अ लाइफ सेवर है, इवन मुझे कहना चाहिए मेस सेवर है, क्योंकि बच्चे जब इंसिडेंट करते हैं ना इमरजेंसी में वो भाग तो पाते ही नहीं ऊपर, तो सारा मेस फिर वो नीचे ही करते हैं और उस वक्त डाउन स्टेयर टॉयलेट ना बहुत कन्वीनियंट रहता है। मेरे अपने घर में डाउन स्टेयर टॉयलेट नहीं था लेकिन जब हम शिफ्ट हुए तो हमने सबसे पहले उसके अंदर टॉयलेट बनवाया ताकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो यार इजिली यूज़ कर सकें। अच्छा दिस वॉज अ फर्स्ट रिसेप्शन ऑफ दिस हाउस बट द साइज ऑफ दिस रूम वॉज सो गुड, इवन आफ्टर पुटिंग 5 or 6 सीटर सोफा आपके पास इतनी स्पेस थी कि आप आराम से वॉक कर सकें इसके इर्द गिर्द। अमूमन ये होता है कि आप जब फर्स्ट रिसेप्शन में एंटर होते तो इतना छोटा सा होता है कि 2 सीटर 3 सीटर सोफा रखें आप और रिसेप्शन ख़त्म आपके, और जिन घरों में रिसेप्शन बड़े होते हैं तो फिर अमूमन ये होता है कि वो एक ही रिसेप्शन होता है और वो लंबाई में ज़्यादा होता है, चौड़ाई तो उसकी होती ही नहीं है। और शुक्र है आजकल जो घर बने हैं इसके अंदर चिमनियाँ नहीं है, वरना जितने भी पुराने घर हैं जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें पता है चिमनियाँ कितनी बड़ी बड़ी लगी होती हैं, आधी स्पेस तो वो चिमनी ले जाती है घर की। अच्छा जो सेकंड रिसेप्शन था ना ये ओपन किचन प्लान था, वीडियो इज़ नॉट डूइंग द जस्टिस जितना ये अच्छा लग रहा था जितना ये बड़ा एरिया था। ज़्यादातर ओपन किचन प्लान्स जो होते हैं ना वो अमेरिका साइड पे होते हैं, कनाडा साइड पे होते हैं, पर यूके में अब जो नए घर बन रहे हैं ना ज़्यादातर उसमें वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ना इसको इंक्लूड कर दें कि एक अच्छा इफेक्ट आता है इसका, एक अच्छा इंप्रेशन आता है इसका। और शुक्र है यहाँ पे अब यूटिलिटी रूम इन्होंने सेपरेट देना शुरू कर दिए, वरना आपका ड्रायर भी और आपका वॉशिंग मशीन भी ना किचन में घुसी होती थी। एक तो वैसे ही किचन आपके बड़े नहीं होते, ऊपर से आप लगा देते हैं वॉशिंग मशीन भी और ड्रायर भी, तो 2 कैबिनेट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाती हैं आपकी। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ जितने भी नए घर होते हैं ना इसके अंदर ना 10 ईयर्स की वारंटी इंक्लूड होती है, उस वारंटी के अंदर इंक्लूड होता है आपका स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट्स फॉल्ट्स और जितने भी आपके ना बिल्डिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे सपोज कंस्ट्रक्शन के दरमियान कोई अगर उन्होंने गलती करी और जो बाद में सामने आ रही है तो उसको वो फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में सीपेज आ जाती है, इसका मतलब दीवार में चुनाई वगैरह प्लास्टर वगैरह सही नहीं हुआ होगा जो घर में ना सीपेज आ रही है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और दे विल फिक्स इट फॉर फ्री कॉस्ट। और अच्छा यहाँ पे भी जितने भी आपके पास अप्लायंसेस हैं ये आपको मिलेंगे इंक्लूडेड, आप जब नया घर लेते हैं दोनों ओवन्स होंगे, आपके पास स्टोव हो जाएगा, आपके पास जो आपके पास डिशवॉशर लगे हुए होते हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें अप्लायंसेस इंक्लूड होती हैं। अच्छा जब आप नया घर लेते हैं ना तो उसके अंदर ना फ्लोरिंग वगैरह इंक्लूड नहीं होती, सिंपल आपको प्लेन फ्रश मिलता है, लेकिन जिस कंपनी से आप घर ले रहे हो तो अगर आप उन्हें रिक्वेस्ट करें ना कि भाई हम आपको पैसे दे देंगे अगर आप हमें फ्लोरिंग डाल दें, तो वो आपको डाल के दे देते हैं। उनसे डलवाने का फ़ायदा ही होता है कि उनके पास जो काम करने वाले होते हैं ना वो लोग होते हैं जो बेस्ट होते हैं इन कामों के अंदर। और ये स्काई विंडो का कॉन्सेप्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है, मतलब ये घर इतना ब्राइट था जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत रोशन था ये घर, आप देख भी सकते हैं वीडियो में। ज़रा लाइट्स खुली हुई हैं यहाँ पे लेकिन फिर भी लाइट्स इतनी नहीं थी कि इतना ज़्यादा उसे घर को रोशन कर सकें, लेकिन जो मेन रोशनी आ रही थी वो स्काई विंडो से आ रही थी। अच्छा मुझे किसी ने ईमेल की थी लास्ट घर को देखने के बाद कि जिस घर में हम रहते हैं क्या हम उसको पार्ट एक्सचेंज कर सकते हैं इन नए घरों से, तो इसके बारे में ये कहती चलूँ कि देखें आपको ये बात ना उन लोगों से पूछना पड़ती है जिनसे आप घर ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो आपको पार्ट एक्सचेंज ऑफर कर लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका, और जो नहीं करते वो आपको कहते हैं यार मार्केट में से बेचें फिर आप हमें दे हमारे पास पैसे लेके आ जाए अपने। अगर वो पार्ट एक्सचेंज ऑफर करते हैं तो वो आपसे जो मार्केट प्राइस होती है उससे थोड़ी सी कम प्राइस में वो घर लेते हैं,
आपका घर वो पार्ट एक्सचेंज कर देते हैं नए घर से। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि मार्बल लगा हुआ है, खैर लेकिन मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूँगी कि पार्ट एक्सचेंज घर करें इन कंपनीज़ के साथ, क्योंकि ये कंपनीज़ मार्केट से काफ़ी कम प्राइस पे आपके घर लेती हैं। जैसे सपोज अगर आपके घर की वर्थ है 250,000 pounds तो वो आपसे लेंगे 220 पे लेंगे वो घर जाकर, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको 30,000 pounds का लॉस करने का। बेहतर है कि आप मार्केट में सेल करें उसे, फिर इनके पास जाएँ और इनसे घर लें। और जनाब इसका जो फ्लोर प्लान था ना डाउन स्टेयर, जो मैं इस रूम की बात की थी, ये बहुत ज़बरदस्त था। मतलब अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना आपके घर में और आप चाहते हैं आपकी नज़रों के सामने रहें किचन में अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लान था यहाँ पर कि आपके बच्चे आपकी नज़रों के सामने खेल भी सकते हैं, आप किचन में काम भी कर सकते हैं, इवन के डाइनिंग एरिया भी साथ ही आपका। और जो फर्स्ट रिसेप्शन है उसे एज आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो वहाँ बैठे, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप इस रूम को अपने बच्चों के साथ अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पे बच्चे बैठते हैं ना वहाँ वो सिर्फ मैसी करते हैं। तो बेहतर होता है कि आपका ड्राइंग रूम सेपरेट हो जाए, गेस्ट का जो एरिया वो सेपरेट हो जाए, आपके बच्चों का जो एरिया है प्ले एरिया कह लें सिटिंग एरिया कह लें वो सेपरेट हो जाए उससे। अच्छा वीडियो में जस्टिफिकेशन ही हो रही कि एरिया कितना खुला था, क्योंकि बीच में तब इन्होंने सेंटर पीस रखा हुआ था, डाइनिंग टेबल उन्होंने लंबाई में रखी थी जिसको चौड़ाई में रखते और सेंटर टेबल हटा लेते बीच में से, तो काफ़ी स्पेस बच जाती कि आप 4-seater सोफा रख लें और डाइनिंग टेबल भी 6-seater रख लें यहाँ पर। जैसे जनाब आजकल यूके में बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है इनडोर प्लांट्स रखने का ना, घर के अंदर प्लांट्स रखने का, अपने सिटिंग एरिया वगैरह में ड्राइंग रूम में रखने का। मैंने भी एक दफ़ा रखा था लेकिन मेरे बेटे ने उसके अंदर की जो थी ना खाद उसको निकाल के पूरे रूम में फेंक दिया था, तो बस वो दिन आखिरी दिन था रखने का प्लांट। एनी वे दिस वॉज एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस हाउस, यहाँ पे 3 bedrooms से विद आपका बाथरूम, और यहाँ पे जा रहा था अटैक का रास्ता। और अमूमन अटैक का रास्ता हमेशा बाहर से ही जाता है, कभी भी रूम्स के अंदर से नहीं जाता, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। अच्छा इस घर के अंदर एक बात अच्छी थी कि सारे बेडरूम्स डबल बेडरूम से, मतलब डबल आप बेड रख सकते हैं उसके अंदर ना। अमूमन ये होता है कि 2 bedrooms जब बड़े होते हैं तो 3rd bedroom बॉक्स रूम होता है आपका, ये छोटा रूम होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बेड आता है, इतनी स्पेस नहीं होती कि उसके अंदर और कुछ रख सकें आप, या मैक्सिमम आप कुछ रख भी सकते हैं तो ज़्यादा साथ एक स्टडी टेबल आती है विद चेयर, इवन अक्सर में तो आप कबर्ड्स भी नहीं रख सकते। और जनाब मैं यहाँ खोल के दिखाने की कोशिश करी थी बैकयार्ड इसका ना, ये इसका गार्डन एरिया था, आप देख सकते हैं स्काई विंडोज नज़र आ रही हैं जो आपके लाउंज में थी। डिटैच हाउसेस का और सेमी डिटैच हाउसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि आपको ना गार्डन मिल जाता है। गार्डन होना मस्ट है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जाहिर सी बातें अमूमन यहाँ ना आते हैं कहीं ना जाते हैं कहीं, तो गार्डन से ये होता है कि एटलीस्ट अपने घर में बच्चे खेल लेते हैं दिन के वक्त अगर बारिश ना हो रही हो तो। बट टेरेस हाउसेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा छोटा सा बैकयार्ड मिलता है जिसमें हार्डली आप 2 chairs डाल सकते हो, कभी कभी तो वो भी नहीं डाल सकते, इतना होता है कि बस आप बिन्स रख सकें। सो हम एशियंस लोगों के लिए ना, इंडिया से आते हैं जो पाकिस्तान से आते हैं बांग्लादेश से आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सेमी डिटैच हाउसेज जो होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि सेमी डिटैच और डिटैच में सिर्फ एक फ़र्क होता है कि डिटैच में आपका सेपरेट हाउस होता है बिल्कुल चारों तरफ से आपका एरिया खुला होता है, और सेमी डिटैच में आपकी एक दीवार नेबर से मिली हुई होती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए ना सेमी डिटैच हाउसेज बहुत अच्छे रहते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट आपको 3-sided ओपन मिलता है, तो आपके पास गार्डन भी होता है फ्रंट भी होता है। अच्छा ये इस घर का सेकंड रूम था, ये भी छोटा नहीं था, मतलब छोटा तो था लेकिन इतना नहीं था कि मतलब बॉक्स रूम आप कह लें इसको, स्पेस से गुजरने की भी, और आपके पास डबल बेड भी रखा था अंदर। अच्छा जी दिस वाज द लास्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस, बट दिस वाज द मास्टर बेडरूम, इसके अंदर अटैच बाथरूम भी था। अच्छा जो अटैच बाथ का कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे एशियन कंट्रीज से आया है, यूके वगैरह में कभी भी अटैच बाथ को ना पसंद नहीं किया जाता था पहले, ये लोग सेपरेट रखते थे आपका बाथरूम एरिया और आपका सेपरेट रखते थे आपके बेडरूम्स एरिया ना। ये तो अब जितने नए घर आ रहे हैं ना ये इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड करना शुरू कर दिया कि अटैच बाथ देना शुरू कर दिए, अदरवाइज ये पहले कभी नहीं देते थे अटैच बाथ, बस गनीमत है कि देना शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा ये इसका लास्ट रूम था, लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी इस घर में रूम्स है, जैसे मैंने पहले कहा था कि बॉक्स रूम इसको नहीं कर सकते, मतलब कि पर्टिकुलरली बॉक्स रूम इस घर में है, सारे डबल बेड थे इसके अंदर। इस घर का फ्लोर प्लान भी ना मैं एंड में इंक्लूड कर दूंगी, आप देख सकेंगे कि इस घर का कितना साइज़ है, साइज़ उसके ऊपर मेंशन होता तो प्लीज़ रीड किया करें कि उसके ऊपर अगर साइज़ पर्टिकुलरली आप नोट कर रहे हैं। अच्छा जनाब लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस वाज द फैमिली बाथरूम, इस घर में ऑल एंड ऑल 2 full bathrooms थे 1 half bathroom था, तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला कि यार एक का वेट किया जब वो निकले तो हम जाएँ बाथरूम के अंदर, सो ये अच्छी बात है। और चलें जनाब इस घर की प्राइस गेस करें आप, एंड में प्राइस मैं कोट करूँगी, प्लीज़ ये ना कह करें बहुत महंगा ही है, आई नो दिस इज़ अ कॉस्टली हाउस, और भाई जाहिर सी बातें हो गई, एक पूरी सोसाइटी आपको बिल्ड करके दे रहे हैं, आपके साथ काउंसिल नहीं लग के दे रही, एक आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग। दूसरी बात है कि देखें हमारे मुल्कों में भी प्राइसेस हाई हो चुकी है, हर जगह इन्फ्लेशन आई है, हर जगह घरों की प्राइस हाई है। पाकिस्तान में बताएं ना 4-5 crore में क्या घर मिलता है, कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके क्या 120-130 gaz का घर मिल जाए। तो इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका में भी यही हाल है, तो अगर हमारे मुल्कों में प्राइसेस हाई हो चुके तो यहाँ तो फिर होंगी होंगी, जाहिर सी बात है दिस इज़ नॉट द 3rd world country, दिस इज़ अ वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री, यहाँ के प्राइसेस कंपैरेटिवली हाई होंगी हमारे मुल्क की प्राइसेस से। दूसरी बात है हमारा करेंसी डिफरेंस बहुत आ जाता है,
सो इस मुल्क की करेंसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं अपने मुल्क की करेंसीज में, तो जाहिर सी बात है हमें फील होता है कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं। बट ट्रस्ट माई वर्ड्स, अब मैनचेस्टर जैसे शहर में 100,000 में, 150,000 में, इवन इन 200,000 में एक सेमी डिटैच हाउस नहीं आता। और यकीन माने अगर अभी आपसे कोई कहेगा ना नहीं नहीं बाजी गलत कह रही हैं, तो अगर आपको वो घर दिखाते हैं ना अंडर 200,000, तो वो सबसे थके एरिए में दिखाएंगे मैनचेस्टर के आपको घर। टपकता वो घर होना है 200 साल नहीं तो कम से कम 100 साल पुराना तो वो घर होना ही होना है। ऊपर से वो हर चौथे महीने मेंटेनेंस मांगते हैं, और ये बातें उन्हें खुद भी पता नहीं होती और ना वो आपको बताते हैं। सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू इवन बाय अ ओल्ड हाउस, पर सोसाइटी देख के लें, एरिया देख के लें, घर की कंडीशन देख के पैसा लगाएं उसके ऊपर। अच्छा मैं आपको इस घर का ना फ्लोर प्लान भी दिखाती हूँ। इस घर का जो टोटल प्लॉट साइज था वो था 1095 स्क्वायर फीट, ना इसके अंदर बैक यार्ड इंक्लूड था ना फ्रंट यार्ड इंक्लूड था, और जो टोटल कॉस्ट इस घर की वो थी 4,25,000 pounds, पाकिस्तानी रुपीज में कोई 15.5 crore के आसपास है, और इंडियन रुपीज में कोई 4.25 crore के आसपास है। चलिए जनाब आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।